उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एसपी डॉक्टर विपिन मिश्रा ने भू माफियाओं को दुरुस्त करने का अनोखा नुस्खा तलाश किया है। साहब की मुहिम अगर रंग लाई तो भू माफिया हवालात की सैर करते नजर आएंगे। अगर आप भी भू माफियाओं से परेशान हैं तो बस मामूली जोखिम उठाइए और कर दीजिए भू माफियाओं का इलाज। वैसे भी सुल्तानपुर जिला भू माफियाओं के लिए मशहूर है। यहाँ सफेद पोश नेताओं का भविष्य भी जमीन में छिपा है। सुल्तानपुर में एक जुमला प्रचलित है कि रातों रात अमीर बनना है तो जमीन में किस्मत आजमाओ। ताजा मामला बयागीपुर इलाके का है, जहां भू माफियाओं के निशाने पर एक कॉलोनी की सड़क है। जमीन का कारोबार करने वालों का एक गिरोह बिना रास्ते वाली जमीन खरीद कर रातों रात मालामाल होने का सपना देख रहा है। अगर सपने को साकार होने में कॉलोनी की दीवार आड़े आ रही है, जिससे परेशान भू माफिया निजी रास्ते की दीवार गिराने पर आमादा है। भू माफियाओं के करतूत को पीड़ित सुनीता सिंह ने जब एसपी डॉक्टर विपिन मिश्रा के सामने बयां किया तो एसपी साहब ने सुझाव दिया, आप कॉलोनी वालों के साथ मिलकर भू माफियाओं का वीडियो बनाइए, भू माफियाओं को जेल भेजने की कार्यवाही हम पर छोड़ दीजिए। ये है कि हम लोगों ने बैनामी की जमीन अपनी पर्सनल रास्ता बनाया था, उसमें से कुछ भू माफिया ऐसे हैं जो पीछे से हम लोगों की बाउंड्री वॉल को तोड़ना चाहते हैं और तोड़ रहे थे। इसके लिए हम यहाँ आए एसपी ऑफिस में और मिले। हमको आश्वासन ये मिला है कि आप वीडियो बनवाती रहिए मैडम, आप देखती रहिए, जो भी जाएँ हमको तत्काल आप सूचित करिएगा, यहाँ से लोग जाएँगे, आपको सहायता दी जाएगी। आपके कॉलोनी में जितने लोग हैं उन लोगों से कहिए कि सभी लोग अपने वीडियो बनाएं और उन भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। महिला का आरोप है कि कुछ असामाजिक लोग उनके निजी रास्ते को अपनी हद में लेने के लिए बाउंड्री वॉल तोड़ रहे हैं। अराजक तत्व जबरदस्ती फौजदारी पर आमादा है, तो वही पुलिस कप्तान डॉक्टर विपिन मिश्रा से मुलाकात के बाद उत्साहित पीयूष सिंह ने ये कहा कि वो वेफेयर एसोसिएशन बनाकर भू माफियाओं को सबक सिखाने का काम करेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष को भी हमें संज्ञान में दिया है और कल मतलब जैसा कि अभी बता रही थी आंटी की, यहाँ पे कुछ लोग थे ऐसे असामाजिक तत्व ही कहा जाएगा उन्हें, क्योंकि जो विदाउट हमारी मतलब हमें नॉलेज में रख करके अगर आप दीवार तोड़ रहे हैं, और वो ऐसी दीवार नहीं है कि वो जो होता है ना कि सरकारी दीवार नहीं है, वो हमारी निजी रास्ता है हमारा, तो उसको हमें बिना बताए, और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारा छोटा भाई भी है, उसका भी कल हमने वीडियो दिया था, और इस तरीके से डराना धमका डराना ही कहेंगे हम उसे कि हमें बिना बताए आप दीवार तोड़ रहे हैं। साहब ने दिया है कि बताया है कि आप इस तरीके से वीडियो और काफ़ी चीज़ें बनाएं, लोगों को एकत्रित करें, तो हम लोगों ने एक वेलफेयर एसोसिएशन बनाने का सोच रखा है कि वेलफेयर एसोसिएशन बना करके हम जमा करेंगे, और इवन हम लोगों ने कार्रवाई शुरू भी कर दी अपनी तरफ से, कागजी कार्रवाई जिसको आप कहेंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पीड़ितों को भू माफियाओं के करतूत का वीडियो बनाने की सलाह देने वाले एसपी साहब का अगला रुख क्या होता है। वैसे सुल्तानपुर में भू माफियाओं और पुलिस की गलबहिया किसी से छिपी नहीं है, मगर उम्मीद है कि पुलिस कप्तान का वीडियो बनाने वाला नुस्खा कामयाब होगा और भू माफियाओं को सबक जरूर मिलेगा। सुल्तानपुर से सुजीत कसौदन की रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।